हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कोरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और बहुत आसान है इसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें ऐड कर देनी है प्याज। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है। अब इसे चलाते हुए हमें भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, हम इसे हिलाते रहेंगे क्योंकि मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, तो हमने इसे चलाते रहना है वरना ये जल जाएगी प्याज। मैं तेज़ आंच पर ही इसे पकाऊंगी, आपने भी सेम ऐसे ही ट्राई करना है। ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत कम वक्त में बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, कलर चेंज हो चुका है हमारे प्याज का। अब हमने इसमें ऐड कर देना है मटन और हमने इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर भूनना है, 2 से 3 मिनट। फिर हमने और बाकी के मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। पहले हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं इसे। हमने इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है ताकि प्याज भी ना लगे और मटन भी अच्छे से भून जाए। तो हमने इसे चलाते हुए भून लेना है अच्छे से। फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसे मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया था क्योंकि ये तो गल जाएगा, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो। अब हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से ऊपर नीचे चला के भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखें, हमने चला के चारों तरफ से काफ़ी अच्छे से भून लिया इसे। अब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, मैंने 1 चम्मच ही डाला है। आपको जितनी मिर्च पसंद हो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये मैंने नारियल का पेस्ट डाला है। अगर आपको नारियल पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर दें इसे, ये ऑप्शनल है। तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका, इसलिए मैंने इसमें डाला है। और इसे अच्छे से भूनेंगे अब हम, जब तक कि साइड से तेल ना दिखने लगे। अब हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए भूनें ताकि मसाला नीचे से जले भी ना और अच्छे से भून जाए। ये देखें, ये चारों तरफ से तेल दिख रहा है। इसमें मैंने ऐड किया दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी करनी हो तो आप थोड़ा और ज़्यादा डालें, मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है तो इसलिए मैं कम ही पानी का यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो। अब हमने कुकर बंद करके 5 मिनट पकाना है इसे। फिर 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि तैयार हुआ या नहीं। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। उम्मीद है ये डिश आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत डिलीशियस भी है। तो ट्राई ज़रूर करिए, ये बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है ये डिश और बहुत ही मज़ेदार लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये डिश आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।